हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग। आज है संडे, तो आज हम सोचे कि संडे है तो आज ना कुछ स्पेशल कुकिंग की जाए। तो आज ना आलू और मटर की ना कचौड़ी बनाएंगे, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, और वो भी ना बिना ऑयल की। तो वो हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। और आलू मटर की कचौड़ी के साथ बनाएंगे टमाटर और प्याज की चटनी, वो भी बिना मसालों के। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं ये आलू और मटर बॉयल होने के लिए चढ़ा रही हूँ। तो अभी ये कढ़ाई गर्म हो गई है, अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल, सरसों तेल। ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं है इस चटनी को बनाने में। तो इधर आप देख ही रहे हैं कि टमाटर कट चुका है। इधर मैंने इसमें लिया है ग्रीन चिली, ये है लहसुन गार्लिक थोड़ा सा चॉप किया हुआ, उसके बाद अनियन। तो यहाँ पर ना ये कढ़ाई गर्म हो गई है तो हम इसमें भी थोड़ा सा देंगे ये ग्रीन चिली। उसके बाद अभी इसमें देंगे कटा हुआ लहसुन, इसे थोड़ी देर थोड़ा सा हल्का सा रेड हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये अनियन। ज़्यादा उसे ना ज़्यादा भुनना नहीं है, मतलब गार्लिक और ग्रीन चिली, क्योंकि ग्रीन चिली ना जितना ज़्यादा भुनेगा उतना ज़्यादा ना आपको ना तीखा लगने रहेगा, ठीक आने जाएगी, इसलिए ना उसे कम ही भूनते हैं और साथ में ये भुनता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ये अनियन डाल दिया और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगा ताकि अच्छे से थोड़ा सा। यहाँ पर ये प्याज मेल्ट हो गया है, वही क्या हल्का सा ब्राउन होने वाला। अब इसमें ना हम लोग ये टमाटर दे, थोड़ी देर के लिए फिर से कवर कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा जब ये ना कुक हो जाएगा उसके बाद हल्दी और नमक इसमें देंगे, बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो उसके बाद ना गाइस, ये टमाटर भी थोड़ा मेल्ट होने लगा था, तो अब इसके बाद हम इसमें ना ऐड कर देंगे सॉल्ट और हल्दी। तो मतलब हल्दी कलर भी टमाटर में वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि बिना हल्दी के कोई चीज़ बनानी नहीं चाहिए, आप मेरे पहले वाले सारे ब्लॉग्स वीडियोस में भी देख चुके हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये आलू और मटर बॉयल हो गया था तो मैंने उसका पानी स्ट्रेन कर दिया, उसमें मटर को उधर डाल दिया ताकि गर्म, मतलब थोड़ी सी गर्मी निकल जाए, तब उसके बाद उसे स्मैश करेंगे। इधर आलू को मैं पील करने लगी थी, उधर चटनी हो रही थी, क्योंकि ये पहले ना इसका मसाला मतलब कि स्टफिंग तैयार कर लेंगे तब फिर आटा लगाएंगे, तब तक वो स्टफिंग जो है ठंडा होता रहेगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही ना अच्छे से किसी भी चीज़ की स्टफिंग हो पाती है। तो इधर मैंने आलू को स्मैशर से स्मैश कर दिया। उसके बाद अभी जो मटर था उसका पानी भी अच्छे से स्ट्रेन हो गया था, तो यहाँ पर आलू रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने लिया ये मटर को, तो मटर को ना मतलब आप चाहो तो मिक्सी में भी, मिक्सर ग्राइंडर में भी आप कर सकते हो, लेकिन इसे ना हमें बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना था। तो अच्छे से बॉयल हो गया था, तो स्मैशर से ही आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये स्मैश हो गया है। जस्ट लाइक देखिए ना, थोड़ा सा भी कुछ मतलब कुछ भी नहीं बचा था, ऐसा नहीं था कि हार्ड था, काफ़ी टाइम लगा। इधर चटनी जो थी वो भी हो गई थी, मैं थोड़ा सा उसे मतलब छोटी से चम्मच से उसे और भी अच्छे से टमाटर को गला रही थी कि थोड़ा कुछ बचा। तो इधर देखिए टमाटर की चटनी मेरी एकदम बिना किसी मसाले के ना और बिना किसी ज़्यादा तेल के ना काफ़ी अच्छी ये चटनी बनती है। तो हमारे यहाँ ना जब भी कोई पराठा वगैरह बनता है तो ये बनता ही बनता है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने इसमें लहसुन लिया है, गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, ब्लैक पेपर और जीरा, बस इतना ही लेना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लेना। और इसे भी ना एक्चुअली क्या हुआ कि आज मिक्सर ग्राइंडर जो था छोटा वाला जार वो ख़राब हो गया सडनली, पता नहीं उसका ब्लेड काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी में इसे ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसे कोई फाइन चॉप ज़्यादा करना मतलब फाइन पेस्ट बनाना नहीं था, तो मैंने उसे मोटर में ही उस ओखले में ही कूट लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला, थोड़ी सी ग्रीन चिली और उसके बाद ये मसाला, उसके ऊपर से थोड़ी सी हल्दी। तो देखिए अब ये इस मसाले को ना अच्छे से भुनना है, तो यहाँ पर ये मसाला भुन गया है। उसके बाद मैंने पहले डाला मटर, क्योंकि मटर ना मतलब मटर जब बॉयल होता है तो थोड़ी सी स्मेल उसकी थोड़ा सा कच्चा जैसा आता है टेस्ट, तो इसीलिए उसे पहले अच्छे से आप भून लोगे ताकि उसका वह स्मेल जो भी है टेस्ट वो चला जाए। उसके बाद अब इसमें मिलाया आलू, क्योंकि ना मटर की स्टफिंग जो होती है ना मतलब काफ़ी सॉफ्ट होती है, वो अच्छे से नहीं भूनते, उसमें आलू मैश करते हैं। इधर जिया की बदमाशी देखिए, इधर मैं बना रही थी और जिया पीछे सब्जी जो आई थी कैसे निकाल निकाल के रख रही थी। जिया दिखाओ मम्मी को, मम्मी को दिखाओ,
रही है बेटा। तो घर में ना बच्चे होते हैं तो ऐसा कुछ चलता ही रहता है। मैं इधर किचन में काम कर रही थी, वो पीछे बैठ के वो कर रही थी। उसके बाद मैंने वो मतलब सब कुछ भून लिया था। उसके बाद मैंने उसमें डाला सॉल्ट उसके अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जिससे ना उसका खट्टा सा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये मेरा मतलब स्टफिंग का जो मटेरियल था वो रेडी हो गया था। और आप देख ही रहे हैं कलर भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। तो आलू देने से ना मतलब वो जो मटर का पानी होता है ना वो मतलब सोख जाता है, उसकी स्टफिंग अच्छी हो जाती है। वरना ना कभी कभी आप करो तो निकल के बाहर आ जाता आटे से बाहर। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने आटा निकाला, आटे में थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डाला, थोड़ा सा सॉल्ट और फिर ये रिफाइंड ऑयल, ताकि वो अच्छा सा क्रिस्पी बने। उसके बाद नमक डालने के बाद मैंने फिर तेल डाला और उसके बाद उसमें फिर आटा लगाने की तैयारी मैं करने लगी, क्योंकि आटा लगाने के बाद फिर से उसकी स्टफिंग करनी होगी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज बिना ऑयल की मतलब ना डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि एयर फ्रायर में कचौड़ी बनाएंगे। तो एयर फ्रायर में मानिए ना तो सच में काफ़ी यूज़फुल है ये एयर फ्रायर। चाहे आप ना मतलब कुछ फ्रोज़न जैसे जो फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं या फिर आलू टिक्की होती हैं, ये सब भी ना आप एयर फ्रायर में बना के खाओ, गरम गरम काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ना आप ऑयल भी ज़्यादा नहीं खाओगे, हेल्दी भी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो आप देखते ही हैं मेरे पुराने ब्लॉग्स वगैरह में देखते ही हैं कि लिट्टी भी ना हमारे यहाँ हर सैटरडे को बनती है, और वो भी एयर फ्रायर में। तो ये आटा मेरा तैयार हो गया था और मैंने स्टफिंग स्टार्ट कर ली थी। इधर कढ़ाई आप देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैं डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो हाँ, एक दो मैं डीप फ्राई करूँगी। मिस्टी ने कहा है कि उसे ना ऑयल वाला वो कचौड़ी खाना है, तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारे लिए इधर दो तीन बना देंगे और बाकी उधर एयर फ्रायर में बनेगा। तो यहाँ पे स्टफिंग ना, इसकी स्टफिंग थोड़ी सी ना मटर वाला ना क्या हुआ कि मैं ना पहले आपको बोल ही रही थी कि मैं स्टफिंग को जो आइटम उसे बनाने के बाद मैं फ्रिज में डाल दूँगी ठंडा होने के लिए, लेकिन मैं रखना ही भूल गई थी। तो अभी थोड़ा सा ना स्टफ़ करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो इधर बाकी इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी बड़ी थी तो चार जा रहा था। लिट्टी तो मैं 6-7 एक बार में एयर फ्रायर में बना लेती हूँ, तो मैंने इसे 190 पे 5 मिनट के लिए रख दिया था। इधर हो गया था, अब इसे फ्लिप कर देंगे दूसरी तरफ से बेक होने के लिए। तो देखिए इसे मैंने फिर से 190 पे 5 मतलब 10 मिनट में बन के तैयार था। इधर मैंने मिस्टी के लिए इधर कढ़ाई जो चढ़ाई थी उसमें भी मैंने डाल दिया था, ताकि दोनों तरफ दोनों काम होता रहे और फटाफट हो जाए। क्योंकि लंच के लिए ना, तो ये संडे का लंच था, तो एक्चुअली संडे को क्या था ना कि एकादशी थी, तो एकादशी को हम लोग चावल खाते नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन से सोच ही रहे हैं कि मटर की कचौड़ी बनी नहीं, तो आज यही बना लेते हैं। स्पेशल का स्पेशल भी हो जाएगा और एकादशी वाला चीज़ भी फॉलो हो जाएगा कि राइस आज हम लोगों ने नहीं खाया। तो इधर ये दोनों मैंने दोबारा में एक और इसमें डाल दी थी कचौड़ी, दोनों एक साथ रेडी हो गए थे। और इधर मिस्टी का भी था कि मम्मी जल्दी से निकालो मुझे खाना है, काफ़ी लेट हो रहा है, उसे भी भूख लग गई थी। तो एक्चुअली ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन भी थोड़ा लेट ही किया था। तो सब बाहर हम लोग चले गए थे सब्ज़ी वगैरह लाने, उसके बाद आए, उसके बाद फिर मैंने ये सारी तैयारी की और फिर बनाना शुरू किया। तो ये कचौड़ी एक निकल गई थी, ये दूसरी निकल जाएगी, तब तक उधर एयर फ्रायर वाला भी निकल जाएगा। तो ये देखिए एयर फ्रायर वाला भी एंड हो ही गया था, इसकी आवाज़ आती उससे पहले मैं पहुँच गई थी इसे निकालने के लिए। देखिए एक वाला स्टफिंग के टाइम में थोड़ा फूट गया था। इधर मैंने प्लेट निकाली कि हम लोग सबका खाना निकले। तो ये टमाटर की चटनी, इसके साथ ना ये कचौड़ी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है इस चटनी के साथ। तो एक एक आप जो देख रहे हैं वो है डीप फ्राई वाला और दूसरा एयर फ्रायर वाला। तो यहाँ पे हम लोग दोनों मज़े लेकर खाते हैं। और ये ना अभी मिस्टी बदमाशी खिलाओ, मैं शूट करती हूँ। तो देखिए, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ये है टमाटर, टमाटर।